इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगू को डीनोटिफाई करते हुए गजग और जहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी जरदारी की समाअत की। ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू के वजारत दाखिला के कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया। ज़िया लांगू के खिलाफ मीर सईद लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी जरदारी दायर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगू को डीनोटिफाई करते हुए गजग और जहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी जरदारी की समाअत की। ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू के वजारत दाखिला के कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया। ज़िया लांगू के खिलाफ मीर सईद लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी जरदारी दायर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लांगू को डीनोटिफाई करते हुए गजग और जहान के 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अब्दुल्ला बलोच ने इंतखाबी जरदारी की समाअत की। ट्रिब्यूनल ने ज़िया लांगू के वजारत दाखिला के कलमदान को भी कलअदम करार दे दिया। ज़िया लांगू के खिलाफ मीर सईद लांगू ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इंतखाबी जरदारी दायर की थी।